व्हाट्सअप गाइज, मेरा नाम है रौनक और आज मैं जो आपको मूव टीच करने वाला हूँ वो है अपर बॉडी आइसोलेशन। अगर इस वीडियो को आप एंड तक देखोगे तो ये बहुत ही इंप्रेसिव मूव आप बहुत ही इजीली सीख जाओगे। अपर बॉडी आइसोलेशन लर्न करने के लिए आप में बहुत ही ज़्यादा पेशेंस होना चाहिए और फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ये आपको मिरर के सामने देख के ही प्रैक्टिस करना है तो ही आपको बहुत ही इजीली आएगा और आपको समझ में आएगा कि आप एक्चुअली क्या कर रहे हो। तो अपर बॉडी आइसोलेशन, आपको ये जो पूरा बॉडी है वो आपको मूव करना है, आपका हेड स्टिल रहेगा वही जगह पर रहेगा और आपको जो ये आपका अपर बॉडी है वो हम पहले स्टार्ट करते हैं लेफ्ट साइड से। आपको लेफ्ट साइड शिफ्ट करना है, ठीक है। आप जिस साइड शिफ्ट करोगे आपको उसी साइड नेक में हल्का सा स्ट्रेच फील होगा। अगर आप स्टार्टिंग में करने जाओगे तो आपको कुछ भी आपका ये पार्ट मूव होगा ही नहीं ज़रा भी, बट आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। आप एवरी डे थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करोगे और एक मेरी एडवाइस ये है कि आपके दोनों हैंड्स चेस्ट पे रखो, आपको फील होगा कि आपका अपर बॉडी कौन सा है और आपको कौन सा पार्ट मूव करना है। सो ये बहुत ही हेल्प करता है बिगिनिंग लेवल में। सो आपको दोनों हैंड्स आपके चेस्ट पे रखो और ट्राई करो कि आप आपका जो अपर बॉडी हो वो पुश कर रहे हो लेफ्ट साइड और आपका हेड मूव नहीं हो रहा है, मतलब ये कर रहे हो तो आपका नेक राइट साइड नहीं जाना चाहिए, ये ऐसा नहीं होना चाहिए कुछ। आपका नेक स्टिल रहना चाहिए और आपको एकदम नॉर्मल सा आपका जो अपर बॉडी है वो लेफ्ट साइड शिफ्ट करना है और यहाँ पे आपको हल्का सा स्ट्रेच फील होगा। अगर फील हो रहा है तो आप सही डायरेक्शन में। सो एक बार ट्राई करते हैं, 5 6 7 8 लेफ्ट देन सेंटर। अभी आपको राइट साइड जाना है, राइट सेंटर लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, ठीक है। सो ये बहुत ही बेसिक मूव है वैसे तो, बट इसके लिए चाहिए होता है पेशेंस, क्योंकि आपको बहुत ही इजीली स्टार्टिंग में नहीं आएगा, आपको थोड़ा टाइम लगेगा, अराउंड 1 week 2 weeks 3 weeks, डिपेंड करता है आप पे कि आप एवरीडे कितना प्रैक्टिस करते हो उसको। और मिरर के सामने ट्राई करो। सो हर रोज़ मिरर के सामने जाओ, इधर पकड़ो और ट्राई करो कि आपकी अपर बॉडी को लेफ्ट साइड पुश करने का, देन उसको सेंटर में लेके आओ, राइट साइड सेंटर लेफ्ट सेंटर राइट सेंटर, ठीक है। सो ये मैंने आपको बताया कि अपर बॉडी को आप कैसे लेफ्ट और राइट डायरेक्शन में मूव कर सकते हो। मैं आपको सेकंड थिंग बताता हूँ, वो है कि आपको कैसे आपका जो अपर बॉडी है वो आगे पीछे की तरफ मूव करना है। सो आपका नेक थोड़ा सा आगे रखो तो आपको पता चलेगा कि आगे पीछे कैसे मूव करना है। आपको नेक आगे रखना है, अभी ये पूरा जो आपका अपर बॉडी है मेनली शोल्डर्स वो आपको आगे की तरफ लेके आना है, आगे, और नेक मूव नहीं होना चाहिए। मेरा नेक जहाँ पे वहीं पे रहेगा और आपकी अपर बॉडी आगे आएगी, ठीक है। अभी नेक वहीं के वहीं पे रहेगा, बॉडी पीछे, फ्रंट बैक फ्रंट बैक फ्रंट बैक, साइड टू साइड से अगेन इसमें फ्रंट एंड बैक जाना इजी है कंपैरेटिवली। सो अगर आपको लेफ्ट राइट आगे पीछे अगर आपको आ जा रहा है तो आप ट्राई कर सकते हो कि थोड़ा बेंड होके इसको सर्कल में रोटेट करने का। तो आपको पहले आगे लेके आना है, फिर लेफ्ट साइड बैक राइट, फिर इसको रोटेट करो, ठीक है। सो ये मूव एक्चुअली में बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बट इसके लिए सिर्फ चाहिए होता है वो पेशेंस है। आपको कुछ पेन नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है, ना ही पसीना होता है, ना ही थकते हो, कुछ भी नहीं, सिर्फ आपको चाहिए होता है फोकस और पेशेंस। एवरीडे प्रैक्टिस करोगे तो बहुत ही ईजिली आ जाएगा। सो आप ये आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी कर सकते हो, मैं अभी काउंटर क्लॉकवाइज में कर रहा हूँ, और दोनों तरफ आप ट्राई कर सकते हो। मेरा आई गेस काउंटर क्लॉकवाइज थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कंपेरेटिवली क्लॉकवाइज से। सो ये ट्राई करो मूव, बहुत ही इजी मूव है। अगर आपको ये अपर बॉडी आइसोलेशन आ गया, नेक आइसोलेशन आ गया, अगर आपको ये दोनों मूव आ गए तो ये दोनों मूव को आप कंबाइन करके बहुत सारे खुद के आइसोलेशन भी क्रिएट कर सकते हो। सो कीप प्रैक्टिसिंग और आई होप कि आपको ये मूव बहुत ही जल्दी आ जाएगा।